कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली थी तभी कहा था कि पहाड़ और मैदान दोनों का समग्र विकास किया जाएगा और प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि इसी क्रम में धामी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और अब तक प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बनवा चुकी है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध स्तर पर बन रही प्रदेश में टूटी सड़कें, शहर की मुख्यधारा से जुड़ रहे विभिन्न गांव, सड़कों से शहर की मुख्यधारा से जुड़ रहे गांव, अब तक हुआ 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण। धामी सरकार लगातार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछवा रहे हैं। जहां उत्तराखंड में कई गांव ऐसे भी हैं जहां अब तक सड़कें नहीं पहुंची, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि ज्यादातर गाँव की सड़कें बनवाई जाए और उन्हें शहर की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक उत्तराखंड बनने के पश्चात राज्य में मार्च 2024 तक कुल 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और साल 2024 से 25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नवनिर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत प्रदेश में कच्ची सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि गांव में तोक है जहां पर 5 हमारे घर बसे हुए हैं, वो तोक वालों की समस्या ये रहती है कि उनका जो गांव का उत्पाद है वो सड़क तक नहीं पहुंच पाता है और जब वो ढोके ले जाते हैं तो उनका प्रॉफिट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने ये योजना चलाई है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि तोक वाले जो गांव हैं, तोक हैं, ये अब संपर्क में आ जाएंगे। ये कच्ची सड़क बनेगी और बनकर के तैयार होगी ताकि उनका उत्पाद, उनके बीमार आदमी, उनका कोई भी प्रसव वाली महिला हो, वो सड़क तक पहुंच जाएगी। तो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे पास सैंक्शन आ रही है, जैसे हमारे पास सब स्वीकृति आ जाएगी इनका निर्माण चालू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। धामी सरकार उत्तराखंड में बिछा रही सड़कों का जाल, सड़कों के माध्यम से शहर की मुख्य धारा से जुड़ रहे गांव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे अपना वादा पूरा, प्रदेश में हो रहा पहाड़ और मैदान दोनों का समग्र विकास। मार्च 2024 तक हुआ 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण, 2024 से 25 में होगा 171 किलोमीटर मार्गों का नवनिर्माण, बनाई जा रही गाँव की सड़कें, ग्रामीण हो रहे खुशहाल, युद्ध स्तर पर हो रहा टूटी सड़कों को ठीक करने का काम, नई सड़कें बनाने के साथ साथ धामी सरकार ऐसी सड़कों को भी लगातार मरम्मत कराने में जुटी है जो सड़कें आपदा के प्रभाव से टूट जाती है। वहीं इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे के मुताबिक नई सड़कें बनाने का काम तो युद्ध स्तर पर चल ही रहा है। सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 450 करोड़ का काम अब तक किया जा चुका है।
देखिए, नई सड़कें तो हम लोग लगातार बनाते रहते हैं, उसकी संख्या बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग सैंक्शन करते रहते बनाते रहते हैं, तो नई सड़कों के बारे में अलग से बता पाना मुश्किल होगा कि हर दिन नई सड़कें जुड़ जाती हैं, हम लोग नए जीओस करते हैं, नए टेंडर होते रहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो जो ग्रामीण सड़कों से जो मुख्य सड़कों को जुड़ना था वो PMGSY करता है, और एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो भी ग्रामीण विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग करता है। हम लोग जो बाकी रोड से उन पे काम करते हैं, या जो रोड हमको ट्रांसफर होती हैं, जैसे PMGSY काफी सारे रोड हमको ट्रांसफर हुई हैं, उन पे हम लोग वन टाइम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, उस पे काफी सारे तकरीबन 450 करोड़ के काम हमने अब तक सैंक्शन किए हैं पिछले साल से लेकर अब तक, और कुछ काम और हमारे पास आया कुछ सड़कों का, जिसपे हम ये चेक कर रहे हैं कि बजट हमारे पास कितना है, उसके हिसाब से फिर हम लोग और सैंक्शन। प्रदेश की धामी सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए लगातार प्रदेश में नई सड़कों को बनाने में जुटी है। इसी क्रम में गांव से लेकर शहर तक सड़कें बनाने का काम जारी है। आपको बता दें कि CM धामी ने पहले ही साफ किया था कि पहाड़ से लेकर मैदान तक और गांव से लेकर शहर तक एक सा विकास किया जाएगा, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री धामी का ये प्रयास प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद और सफल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।